यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना के तहत आज बल्लभगढ़ में हरियाणा सरकार द्वारा अन्नपूर्णा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकार द्वारा गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम किया गया। इस अन्नपूर्णा उत्सव में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर डिपो धारकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कॉलोनी वासियों को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गरीबों को आगामी नवंबर तक 5 किलो अनाज मुफ्त में सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस उत्सव की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अन्नपूर्णा उत्सव को मनाने का काम किया। शर्मा ने कहा कि सभी डिपो धारकों पर उन्हें विश्वास है कि वे ईमानदारी से गरीबों को राशन बांटकर ईमानदारी का परिचय दें। परिवहन मंत्री ने कहा कि यदि कोई राशन डिपो तक आने में असमर्थ है तो उसके घर तक राशन का बैग पहुँचाने का काम करे। उन्होंने कहा कि कोई राशन डिपो संचालक गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर सरकार कार्यवाही भी करेगी। गरीबों के राशन को डकारने वाले कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कुंदन कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन के कार्य का मुहूर्त किया। यह पाइपलाइन करीब 7 दिन में डाल दी जाएगी। इससे कुंदन कॉलोनी में मीठे पानी की सप्लाई बढ़ जाएगी और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस मौके पर कुंदन कॉलोनी के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अन्नपूर्णा दिवस है जिसके नाम से जो गरीब को जो मोदी जी ने घोषणा 7 महीने उनको फ्री अनाज मिलेगा और एक व्यक्ति को 5 किलो हर राशन, अगर राशन में जितने व्यक्ति हैं, अगर राशन में 4 व्यक्ति हैं तो 20 किलो मिलेगा, 3 है तो 15 किलो मिलेगा। ये नवंबर तक ये फ्री राशन की नीति देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है और गरीबी की जो कोविड के जो समय जो हालात रहे हैं और जो हालात पर देश जूझा है उस हालात को देखते हुए गरीबों का आम आदमी का काम चला गया, गरीब का काम से हाथ धो बैठा, ऐसी योजना प्रधानमंत्री चलाई है जिसको गरीब को राशन बांटने का आज इसकी हमने शुरुआत करी और पूरे हरियाणा प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई और मैंने बल्लभगढ़ से अपने मार्केटिंग बोर्ड में ऑफिस से यहाँ से उद्घाटन करा है। हमारे साथ बल्लभगढ़ के SDM बारजीता भी हैं और ये भी कहा है कि भी किसी आदमी बिना अन्न के ना रह जाए और हर आदमी को जो राशन पे है उसको राशन मिलना चाहिए। नहीं, आज मैंने बल्लड़ की सबसे बड़ी कॉलोनी है कुंदन कॉलोनी, उसमें आज पानी की जो लाइन का उद्घाटन करा है और मैंने ये भी कहा है कि पानी की लाइन पूरे उस वार्ड में और पूरे रोडों को RMC में हम तब्दील करेंगे, पानी की लाइन पूरी हो जाएगी और पूरे एक ही बीच में है भाटिया कॉलोनी याद राव कॉलोनी अहिरवाड़े के बीच में एक ही कॉलोनी बाकी है जो RMC नहीं है। हमने कहा इस कॉलोनी को भी पूरी RMC में तब्दील कर। मैंने आरोप पर प्रत्यारोप लिया, मैंने उनसे विनती करी है भाई सब लोग गरीब का अनाज अवश्य दें और गरीब लोगों के घर तक पहुंचे, अगर कोई रह जाता उसे घर तक भी पहुंचाने का काम करे। ये जनसेवा है, कमाने का वक्त नहीं है, ये कमाई का माध्यम नहीं है, गरीब की सेवा करने का समय है। इस बुरे वक्त में सब लोगों को आम आदमी की मदद करके मैंने उनसे ये विनती करी है आप लोग सबको राहत देने का काम करें।